जीआरटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था कि हम रेफरेंस टैब का यूज करके टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं, फुट नोट और एंड नोट का यूज कैसे करते हैं, सिटेशंस का यूज कैसे करते हैं, ये सब चीज आपको बताया गया ना। और सबसे लास्ट पेज पे हम बिबलोग्राफी कैसे ऐड करते तो एक बार हम फाइल पे आते हैं, ओपन पर आते हैं और यहाँ पे कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। जैसे मान लो कोई बुक हमें बनाना है ना, तो अक्सर आप देखते होंगे बुक में जो है इमेजेस भी रहते हैं। तो हमारा बुक जो है वो हमने बनाया यहाँ इक्वल टू और रैंड फंक्शन का यूज किया, कुछ टाइटल आ गया हमारे पास। आइए, ठीक है, सपोज करिए बुक का हमारे कंटेंट है और इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और बड़ा करने के साथ ही साथ हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाल दिया कंप्यूटर। ठीक है, और इस कंप्यूटर की हेडिंग को हमने सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये कंप्यूटर के बारे में सब कुछ तो कुछ लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ साइड में कंप्यूटर का फोटो लगाना है, दो पैराग्राफ के बाद हमने यहाँ प्रिंटर कर लिया और हम इंसर्ट पे आ जाएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद देखो यहाँ पे तमाम चीज दे रखा है ना, तो हमें यहाँ पे पिक्चर लाना है और यहाँ पे दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और हमारे कंप्यूटर पे जो भी सिस्टम की इमेज होगी वो निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर्स में स्टॉक इमेजेस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी कोई इमेज हम सर्च कर सकते हैं। जैसे स्टॉक इमेजेस पे क्लिक किया, इस तरह से आ गया और यहाँ सर्च करेंगे हम कंप्यूटर, देखते हैं कंप्यूटर का कोई इमेज है क्या। ठीक है, तो इतने सारे इमेजेस दिखा रहे हैं, कोई इमेज एक कंप्यूटर के यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है, छोड़ो छोड़िए, हम गूगल पे सर्च करके इमेज निकालेंगे। तो हमने गूगल पे सर्च किया, हम लिखा कंप्यूटर सिस्टम और इसका इमेज हम इमेजेस में जाके यहां से कोई इमेज निकाल कर लगाएंगे। ठीक है, कोई भी इमेज, एक इमेज हम यहाँ पे सेट कर दें। जैसे मान लो ये हो गया हमारा, इस इमेज को हमें लगाना है, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज का ऑप्शन आएगा। ओ, ये तो दूसरे फाइल है, कोई ऐसी इमेज लगाएंगे जो सेट हो जाए आसानी से। इसको चेक कर लेते हैं, हाँ ये सेट हो जाएगा। तो डेस्कटॉप पे हमने इसको सेट कर दिया, इसका नाम दे दिया कंप्यूटर, इसको हमने कर लिया सेव। मान लो कि एक और पैराग्राफ हमको बनाना है, वो पैराग्राफ बनाना है डेटाबेस के लिए, तो हमने यहाँ लिख दिया डेटाबेस, इंटर कर दिया और डेटाबेस का कोई फोटो हमने यहाँ पे लगा दिया, कोई फोटो एक डेटाबेस का। ठीक है, तमाम फोटो यहाँ पे दे रखे हैं, कोई भी एक अच्छा सा फोटो हमने डेटाबेस के लिए लगा दिया। ठीक है, ये हमने राइट क्लिक करके और यहाँ पे हमने इसको सेव इमेज एज कर दिया और डेस्कटॉप पे इसको हमने सेव कर लिया, इसका नाम दे दिया डेटाबेस। जेपीजी पीएनजी रहेगा तभी बेटर रहेगा। हाँ, इसको हमने कर दिया डेटा बेस। ठीक है, एक इमेज और हमने सर्च कर लिया लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप का कोई इमेज लगा देते हैं,
यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आए और सेव में जाए, इस पर क्लिक करते हुए उसका नाम दे दिया लैपटॉप। मान लो कोई बुक बना रहे हैं, बुक में हमारे ये सब टॉपिक हैं, एक टॉपिक हमारा कंप्यूटर का है, तो हमने यहाँ पिक्चर में आए और दिस पीसी में आ गया। डेस्कटॉप पर हम सेलेक्ट कर लिए, लोकेशन हो जाएगा डेस्कटॉप, और यहाँ हमने कंप्यूटर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर, ये हमारा ठीक है। हम रैप टेक्स्ट में आ गए और यहाँ पे कर दिया हमने स्क्वायर, और यहाँ साइड में हमने इस फोटो को लगा दिया। रिज्यूम करो, कंप्यूटर की फोटो है। लेआउट में आके थोड़ा सा मार्जिन वगैरह हम नैरो कर दे रहे हैं, जैसे थोड़ी सी पर्याप्त जगह मिल जाए हमें, और थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको छोटा कर दे रहे हैं और इसको कर दे रहे हैं एक साइड, जिससे थोड़ा सा व्यवस्थित लगे। और ये सब चीजों को सेलेक्ट करके हम होम टैब में आ गए और हमने इसको कर दिया बराबर, ये ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि कंप्यूटर के बारे में कुछ कंटेंट दिया गया है और ये कंप्यूटर का इमेज एक हमने लगा दिया। तो एक बार फॉर्मेट पिक्चर में और आते हैं और यहाँ पे सही है, ठीक है, ये हो। दूसरा हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया लैपटॉप, ठीक है, इसको भी कंट्रोल पी से बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा साइज का बड़ा कर। अब लैपटॉप की कोई फोटो हमें लगानी है तो हम यहाँ से आ जाएंगे इंसर्ट पर, इंसर्ट पे आने के बाद हम आ जाएंगे पिक्चर्स पर और यहाँ से आ जाएंगे दिस डिवाइस पर, और यहाँ लैपटॉप को सेलेक्ट करके हम कर लेंगे इंसर्ट, इसको कर देंगे थोड़ा सा हम छोटा, ठीक है। सेम इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम रैप टेक्स्ट में, इसको भी हम कर देंगे स्क्वायर और इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर, ये हो गया हमारा लैपटॉप। यहाँ भी कंटेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, होम पे आके दोनों साइड के कंटेंट को बराबर, ठीक है, और यहाँ से कंटेंट को हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दे रहे हैं जिससे इसमें जगह रहे थोड़ी सी, ठीक। तीसरा एक हमने हेडिंग डाल दिया डेटाबेस, डेटाबेस, ये तीन हेडिंग हमने तैयार कर लिया, इसको हमने कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया। अब डेटाबेस की इमेज हमें इंसर्ट करनी है, तो एक पैराग्राफ का टेक्स्ट हमने और बढ़ा दिया यहाँ से, हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसी के जस्ट बाद हमने कर दिया पेस्ट। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, पिक्चर्स पे आना है, और एक पिक्चर हमें डेटाबेस के लिए इंसर्ट करना है। तो ऐसा अधिकतर आप लोगों ने किताबों में देखा होगा कि लेफ्ट साइड में कंटेंट होता है और राइट साइड में उसका इमेज रहता है, जैसा भी है वो राइट साइड में उसको इमेज दे देते हैं, ऐसा अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, देखा है ना, लेफ्ट साइड में इमेज रहते हैं, लेफ्ट साइड में इमेज, लेफ्ट साइड में टेक्स्ट रहता है, राइट साइड में इमेज रहता है, ऐसा अधिकतर देखा है ना। अब देखो, अब यहाँ सपोज करो कि हमने इस तरह से कंटेंट बनाया और हमारे बुक में इस तरह से सैकड़ों इमेजेज हैं, और हम ये चाहते हैं कि इन इमेजेज का हम इंडेक्स बनाए, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, रेफरेंस में जाना होगा और जाना होगा इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन पर आने के बाद यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा, देखो ऑप्शन यहाँ दे रखा है, देखो थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद आता है, अभी देखो दिख नहीं रहा ना कुछ, खाली दिख रहा है ना, हाँ अब देखो आया। तो जब आप इस इमेज को सेलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पर लेवल में आ जाएगा फिगर, कंप्यूटर हमारा जान जाएगा कि हमने किसी फिगर को सेलेक्ट किया है। यही सेम काम हम टेबल के लिए भी कर सकते हैं, इक्वेशंस के लिए भी कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से क्या फिगर, अभी फिगर का नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ आपको फिगर का जो भी नाम देना है, आपने इस फिगर का नाम दे दिया फिगर वन कंप्यूटर,
ये वर्ड आपने नाम दे दिया और इसके लिए लेबल पूछा जा रहा था, फिगर ही रहेगा, पोजीशन इसका पूछा रहा है, फीचर पोजीशन कहां पर रहेगा, तो पोजीशन आप दे सकते हैं बिलो सिलेक्टेड आइटम। इस आइटम को सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। नंबरिंग आपको करने, नंबरिंग भी कर सकते हैं और इसको कर देंगे ओके। यहाँ पर लिख कर आ जाएगा फिगर वन कंप्यूटर, इसको अगर सेंटर में ले आना तो आप थोड़ा सा इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। ये देखो, इसको हम यहाँ सेंटर में लगा देंगे, ये हो गया फिगर वन हमारा क्या कंप्यूटर। ऐसे अधिकतर देखो फिगर के बारे में लिखा रहता है, जिस चीज का फिगर उस चीज के बारे में कंटेंट नीचे दिया रहता है। सेकंड को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप इंसर्ट कैप्शन पर आइए, ये हो जाएगा फिगर टू लैपटॉप। इसको कर दीजिए ओके। यहाँ से थोड़ा सा करके आप इसको सेंटर में ले आइए, ये हो जाएगा फिगर टू लैपटॉप, हो जाएगा ना। तीसरा डेटाबेस के लिए है, हम आ गए इंसर्ट कैप्शन में, यहाँ पे कर दिए फिगर थ्री और यहाँ कर दिए डेटाबेस और इसको कर देंगे ओके। ये हो जाएगा फिगर थ्री हमारा डेटाबेस, तीनों हो गया ना। ये फिगर वन कंप्यूटर हो गया, ये हमारा फिगर टू लैपटॉप हो गया और ये फिगर थ्री हमारा डेटाबेस, तीनों हो गया। अब अगर इनका हमको इंडेक्स बनाना है, तो अगर इंडेक्स शुरू में बनाना है शुरू में स्पेस हमको चाहिए, लास्ट में बनाना है लास्ट में चाहिए, जहां पे भी इंडेक्स हमें बनाना है किसका, इन फिगर्स का, जिससे हम जान सकें कि हमारे नोट्स में कितने फिगर्स के यूज किए गए हैं, कितने पिक्चर्स का यूज किया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट करेंगे और जहां पे भी आपको फिगर बनाना है वहां पर आप आ जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ इतने सारे फॉर्मेट्स आपको दिखेगा, तो जो डिफॉल्ट है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आप कर दीजिए यहाँ से ओके। देखो तीनों फिगर यहाँ पे आ गए, फिगर वन कंप्यूटर का है, फिगर टू लैपटॉप का है, फिगर थ्री हमारा डेटाबेस का आ गया। अगर इन फिगर्स पर हमें जाना है, जैसे मान लो हमें डेटाबेस वाले फिगर पे जाना है, तो कंट्रोल बटन दबा के सीधे हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के तो सीधे डेटाबेस वाले फिगर पर लेके ये चला। हमें लैपटॉप फिगर जाना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सीधे लैपटॉप के फिगर पर लेकर चला जाए। हमें कंप्यूटर के फिगर पे जाना है तो सीधे कंट्रोल बटन दबा के हम क्लिक करेंगे डायरेक्टली एक कंप्यूटर के फिगर पे हमारा लेकर चला। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम टेबल ऑफ फिगर्स बना सकते हैं, ठीक है, उन फिगर्स का एक टेबल बना सकते हैं जहां उसकी समरी दिखाई देगा कि हमारे नोट्स में कितने फिगर्स यूज किए हैं। बात समझ आ रहा ना, ये कैप्शन की मदद से यही सेम काम, जैसा काम हमने पिक्चर्स के लिए किया वैसा काम हम टेबल के लिए भी कर सकते हैं, इक्वेशंस के लिए भी कर सकते हैं। मान लो हमारे बुक में चार टेबल है, हम उन टेबल को कोई स्पेसिफिक नाम देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री एंड टेबल फोर, जैसा नाम देना चाहे वैसा नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं और उनका टेबल ऑफ फिगर्स बना सकते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई नया आपने इंसर्ट कर दिया बीच में टॉपिक, और जैसे डेटाबेस से पहले सब कुछ करो, आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ले देते हैं माउस, ठीक है। अब माउस के बारे में कुछ कंटेंट भी आपने लिख दिया, ये माउस हो गया, माउस के बारे में आपने कंटेंट भी लगा दिया, हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब आपको माउस के बारे में कुछ लिखना है और यह माउस का फोटो लगाना है, तो आपने यहाँ पे सर्च करके माउस का एक फोटो निकाला, ये आ गया, ठीक है। कोई भी माउस, हाँ उसको भी माउस बोलते हैं। मान लो इस माउस का फोटो में लगाना था, हमने राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज पर आ गया और इसको हमने सेव कर लिया डेस्कटॉप और इसका नाम दे दिया माउस, ठीक है।
और यहाँ पे हम इंसर्ट करा दिए इस माउस का फोटो। तो हम इंसर्ट पर आ गए, पिक्चर्स पर आ गए, दिस डिवाइस पर आ गए और यहाँ से माउस की पिक्चर को हमने इंसर्ट करा दिया। अब ये चाहते हैं माउस का पिक्चर एक साइड में हो जाए, तो हम माउस को सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से रैप टेक्स्ट पर आ गए और यहाँ से हमने कर दिया यहाँ पे स्क्वायर और माउस का पिक्चर हमारा आ गया इधर लेफ्ट साइड। थोड़ा सा छोटा इसको कर दे रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर इसे माउस पे हमें लाना फिगर थ्री, हम सिलेक्ट करके जैसे हम रिफरेंस टाइम में आएंगे और इंसर्ट सिटेशंस पर आएंगे, देखो ऑटोमेटिक फिगर थ्री आ गए और फिगर थ्री में हम लिख देंगे माउस और यहाँ पे कर देंगे हम ओके। ये फिगर थ्री हमारा किसका हो गया, माउस के लिए हो गया। इसको सिलेक्ट करके अगर आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं, सेंटर में लाना है तो सेंटर में भी ला सकते हैं इस तरीके से। ये फिगर थ्री हमारा किसका हो गया, माउस का। अब हम ये चाहते हैं कि ये सब क्रम से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। अभी तक देखो आपको सिर्फ तीन दिख रहा था, कंप्यूटर लैपटॉप एंड डेटाबेस, माउस वाला नहीं दिख रहा था। तो आप क्या करेंगे, आप रेफरेंस टैब पर आएंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे, कर देंगे ओके। तो देखो ये फिगर थ्री माउस हमारा ऑटोमेटिक माउस पे जाने को, चूंकि इसको हमने बोल्ड किया था इसलिए यहाँ बोल्ड दिख रहा है। अगर हमें माउस पे दोबारा जाना है तो सीधे हम कंट्रोल बटन दबा के यहाँ से क्लिक करके हम डायरेक्टली इस माउस पर जा भी सकते। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं कैप्शन। कैप्शन का मतलब किसी भी फिगर को, किसी भी टेबल को कोई हम नाम दे देते हैं, उस नाम को ही बोलते हैं कैप्शन। किसी फिगर को, किसी टेबल को, किसी इक्वेशंस को अगर हम कोई नाम देते हैं तो उसका कैप्शन कहलाता है। तो बना लेंगे इस तरीके से ना, हो जाएगा। तो ये तरीका है हमारा इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन की मदद से हम टेबल और फिगर्स बना सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। और क्रॉस रेफरेंस आपको पहले से पढ़ाया गया है, हमने जब इंसर्ट टैब आपको पढ़ाया था तो यहाँ क्रॉस रेफरेंस आपको पढ़ाया था, वही क्रॉस रेफरेंस आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। ये क्रॉस रेफरेंस आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है आपका मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या है, जैसे मान लो किसी वर्ड के बारे में, किसी वर्ड के बारे में जो टॉपिक है हमारे बुक्स का, उसका हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं कि कोई यूजर आए तो लेसन वाइज अगर वो ना पढ़ना चाहे तो टॉपिक वाइज भी पढ़ ले, उसके लिए मार्क एंट्री किया जा सकता है। और जितने भी आप टॉपिक को सिलेक्ट करके मार्क एंट्री करेंगे उनका इंडेक्स बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, आपको लग रहा है कि जो जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, जो जो कोई रीडर पढ़ना चाहता है, उन टॉपिक को पहले आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मतलब कंप्यूटर को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे मार्क एंट्री वाले ऑप्शन पर किया क्लिक, और जैसे मार्क एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक किया ये मेन, ये पूछा जाएगा मेन एंट्री क्या है, सब एंट्री क्या है, ये तमाम चीज आपसे पूछा जाएगा। और अगर इसे बोल्ड करना चाहते तो आप बोल्ड करके इसको कर दीजिए मार्क। जैसे आप मार्क करेंगे इसके बगल में कुछ ऐसे सिंबल्स आ जाएंगे, तो इन सिंबल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने लैपटॉप को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको क्या कर लिया, मार्क एंट्री पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे इसको कर दिया हमने बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद इसको कर दिया मार्क। तीसरा हमारा माउस है, हमने माउस शब्द को भी सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद पहले इसको करते हैं क्लोज, इसको भी कर लिया मार्क एंट्री और यहाँ पे भी हमने इसको कर दिया बोल्ड और यहाँ पे कर दिया मार्क। जो जो टॉपिक लग रहा है कि यूजर पढ़ना चाहता है, इन टॉपिक को यूजर्स पढ़ सकते हैं, डेटाबेस को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री पे क्लिक किया और इसको भी हमने कर दिया यहाँ पे बोल्ड करके मार्क, ठीक है। अब आप देखेंगे ऐसे ढेर सारे सिंबल्स आ जाएंगे, देखो तमाम सिंबल बीच में ऑटोमेटिक आ गए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप वहां पर जाइए जहां पर मार्क एंट्री आप बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे नीचे मार्क एंट्री बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं सारे सिंबल्स हमारे हट जाएं, ये सारे सिंबल्स हमारे हट जाएं। ये कौन मोहम्मद, बंद करो कैमरा,
हम चाहते हैं कि सारे सिंबल्स हमारे हट जाएं, उसके लिए होम टैब पर आएंगे। नहीं हम समझ पाए, क्या देखें? हाँ देखो ध्यान से, हम होम टैब पे आते हैं और यहाँ पर ये जो सिंबल वाला ऑप्शन है, ये शांत रहिए, होम टैब पे ये सिंबल वाला ऑप्शन है ये हम क्लिक कर देते हैं तो जितने भी एक्स्ट्रा सिंबल आए थे ये सारे सिंबल हमारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। हो गए गायब। अब अगर हमें इनकी मार्क एंट्री करनी है तो बस हम यहाँ पे करेंगे इंटर, रेफरेंस टैब पर जाएंगे और यहाँ आने के बाद इंसर्ट इंडेक्स के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। और जैसे इंसर्ट इंडेक्स के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, ये तुरंत हमसे स्टाइल पूछेगा, जो डिफॉल्ट स्टाइल है उसको रहने दे रहे हैं और इसको हम कर देंगे, अगर एक कॉलम में चाहिए तो एक और दो कॉलम में चाहिए दो, और हमने कर दिया इसको ओके। ऐसा करने से ये देखो नीचे टॉपिक इंडेक्स बन के तैयार। अगर किसी यूजर को कंप्यूटर पढ़ना है तो पेज नंबर 1 पे जाएगा, डेटाबेस पढ़ना है तो पेज नंबर 2 पे जाएगा, लैपटॉप के बारे में पढ़ना है तो पेज नंबर 1 पे जाएगा, और माउस के बारे में पढ़ना है तो पेज नंबर 1 पे जाएगा। और आप एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड्स आए अल्फाबेटिकल शॉर्ट है पहले से, देखो पहले सी वाला आया, सी के पास डी वाला आ गया, बीच में कोई वर्ड नहीं, फिर एल वाला आया, फिर बीच में एम वाला आया, तो अल्फाबेटिकल इंडेक्स बन के आपका तैयार हो जाएगा। इससे रीडर्स को पढ़ने में हेल्प मिलेगा, अगर रीडर्स किसी डेटाबेस को पढ़ना तो जान जाएगा डेटाबेस डी से स्टार्ट, तो वो डी वाले कॉलम में जाके सर्च करेगा तो सारे डेटाबेस उसको एक साथ दिखने लगेंगे। बस में आ रहा ना, तो इसको बोलते हैं मार्क एंट्री। और अगर मान लो बीच में कोई टॉपिक नया ऐड आपको करना है तो आप ऐड करके अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो भी नया टॉपिक आपने ऐड किया होगा वो टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा पेज नंबर के साथ। बस में आ रहा ना, वो पेज नंबर के साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये तरीका हुआ किसका, ये तरीका हुआ मार्क एंट्री का, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक ऑप्शन और दे रखा है यहाँ पर, वो ऑप्शन दे रखा है मार्क सिटासन। सिटासन क्या है, देखो ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो सिटासन हमने कल आपको बताया था, सिटासन इंसर्ट करना और एक मार्क करना, इन दोनों को मिला के बना दिया मार्क सिटासन। यानी इंसर्ट करने के बाद आप उनको क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ध्यान समझिए, जैसे मान लो ये जो टॉपिक था उस टॉपिक को हमने सेलेक्ट कर लिया, और एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये टॉपिक हमारा जो था वो हम क्या किए थे, किसी बुक से लिए, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट, हम सिटेशंस पे आ जाते हैं, ऐड न्यू सोर्स पर आ जाते हैं, और हम डिटेल बताते हैं कि किस बुक से हमने लिया था। तो बुक ऑथर का नाम ने दे दिया पीके गुप्ता, ठीक है, टाइटल दे दिया इस बुक का कंप्यूटर मास्टरी, ये बुक का नाम है, ईयर डाल दिया हमने, ये बुक बना था 2024 में, बाकी सिटी वगैरह आप डाल के इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे कर दिया हमने ओके, ठीक है। तो ये हमारा आ गया गुप्ता 2024 के साथ। चलो मान लेते हैं कि ये जो टॉपिक हमने लिया था, ये टॉपिक हमने एक दूसरे बुक से लिया था, इसको सेलेक्ट करके हम इंसर्ट कैप्शन पे आते हैं, ऐड न्यू सोर्स पर आते हैं, ये जो बुक हमने लिया था उस बुक के ऑथर का नाम था डीके अग्रवाल, ठीक है, बुक का जो टाइटल था वो था डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये बुक बना था 2023 में, इसको भी हमने कर दिया ओके। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा जाके ऐड हो गया। इस तरह जितने भी हमने कंटेंट लिए थे वो सारे कंटेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। अब सपोज करो हमें मार्क सिटेशन का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट पे आएंगे, लास्ट में आने के बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है मार्क सिटेशन, तो सबसे पहले
जो सिटासन हमने बनाए हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये पहला सिटासन था, सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे मार्क सिटासन, ठीक है। या यहाँ से रुके रहिए, हम केवल इतने एरिया को सेलेक्ट कर ले रहे हैं और मार्क सिटासन पे क्लिक कर रहे हैं, और इन जो महत्वपूर्ण सिटासन हैं उनको हम कर लेंगे यहाँ से मार्क। एक हमने मार्क कर लिया, मार्क करते यहाँ कुछ अपने आप आ गया, इसको कर देंगे क्लोज। दूसरे वाले को हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको भी हमने कर दिया मार्क सिटासन, और इसको भी हमने कर दिया मार्क, और मार्क करके कर दिया क्लोज। अब हम होम टैब पर आएंगे और जितना मार्क उसको हटा देंगे, हट गया। अब जहां पर भी हमें बनाना है सिटासन के इंडेक्स बनाने हैं, वहां पर हम आएंगे रेफरेंस टैब में और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ इस तरीके से कुछ फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, आपको कोई चेंजेज नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करके कर देना है ओके। ऐसा करने से ये देखो दो चीज आपका समझ आ गया। तो ये किस लिए यूज होता है? इसलिए यूज होता है कि बुक के रीडर्स ये जान जाएं कि इस बुक में जो कंटेंट हमने लिए हैं वो किन किन बुक्स से लिए गए। तो ये हमेशा सबसे लास्ट में बनाते हैं, या शुरू में दिखा देते हैं फर्स्ट पेज पे इंडेक्स से पहले। हेलो जी सर, ये हम लोकेशन आपको भेजे तो हैं।